ये महाराज जी हमें एक खेची मुद्रा साक्षात करके दिखा रहे हैं। महाराज जी ने अपनी जीवा का दोहन, और ये महाराज जी की गुफा है। बस जितना ध्यानमग्न साधक बैठ सके बस उतनी स्पेस है, ज्यादा स्पेस का करना क्या होता है, इससे अपना आसन भी सही लगा रहता है। बद्रीनाथ हमारे साथ हैं। हाँ, हमेशा महाराज जी के साथ ही रहते हैं। वो रहा बद्रीनाथ मंदिर, और बद्रीनाथ मंदिर से ये सारी चढ़ाई करके हम आते हैं, और यहाँ इस गुफा में होते हैं हमें बर्फानी बाबा जी के दर्शन। हरिओम बाबा जी। महाराज जी, बहुत खोज के बाद आप एक ऐसे योगी मिले जो मतलब कहते हैं कि खेचरी मुद्रा आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, हमने बहुत पढ़ा है आपके बारे में, बहुत सुना है बहुत से लोगों से, तो कोई अगर आकर आपके साथ सीखना चाहे, ठीक है, आपके शिष्यत्व में, तो वो क्या सी आप आपके पास समय होता है उसको सिखाने के लिए, या कुछ है, कैसा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये तो अगला का जो सीखने का या जो जो भी क्रिया करने का है, जो भी ध्यान का है, जो भी क्रिया है, उसको पहले ललक होना चाहिए। उसका सीखने का, कुछ करने का, उसमें ललक होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, और वो दृढ़ भाव होना चाहिए, तभी सीख सकता है। लक्ष्य लेकर के चलेगा तभी वो कि हाँ ये चीज़ करना है तो करना है, तभी उस क्रिया में, कोई भी काम में सक्सेस हो सकता है। सबसे बढ़िया है वो दृढ़ संकल्प लेकर के चले, अगला का भाव हो और सीखने की उत्सुकता हो, मन में प्रगाढ़ उत्सुकता हो और लक्ष्य लेकर के चलेगा तो जरूर सिखा सकते हैं और उस क्रिया को दे सकते हैं। आजकल क्या है, अभी वर्तमान समय में ये जो खेचरी मुद्रा का जो क्रिया है, एक तो बहुत बड़ी कठिन क्रिया है, ये समाधि तक के ले जाने वाली क्रिया है, और आजकल संत महापुरुष ऐसे भी हैं जो ये व्यापार के रूप में अपना काम करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये क्रिया ऋषि मुनियों की देन है, ये क्रिया जो है कठिन क्रिया है और गुप्त क्रिया है, और बहुत ही इसको परिश्रम करना पड़ता है तब इसमें सक्सेस होते हैं, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे भविष्य में आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है, आपका जीवन उद्धार हो सकता है। ये क्रिया जो है बहुत अब तो लुप्त होने वाले, लुप्त के ही बराबर जैसा है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं खिचड़ी मुद्रा वाले, लेकिन जो मिलते हैं जैसे यूट्यूब पर हम देखते हैं या और कोई भी ऐसे संत महापुरुष, तो वो व्यापार के रूप में एक तरह का पैसे लेकर के जैसे करना, ये गलत है क्रिया। ये योगियों का क्रिया है, ये ऋषि मुनियों का क्रिया है, ऐसे गुप्त नहीं होना चाहिए, लुप्त नहीं होना चाहिए, ये चलता ही रहना चाहिए। जैसे कि ये बहुत बड़ी क्रिया है, कठिन क्रिया है, बहुत कठिनाइयाँ और बहुत दर्द सहना सहन करना पड़ता है, और इसको करने के लिए दोहन और छेदन, जिह्वा को छेद छेदन किया जाता है यहाँ तालु में, आप तो इसको जो दिखा सकते मालूम हैं होगा महाराज जी? तो उसी को कर सकते हैं, जिसको जो जिसको मालूम है, जिस क्रिया को मालूम है वही दे सकता है, जो विद्या है उसके पास वही दे सकता है। तो ये बहुत बड़ी क्रिया है, यहाँ तक कि MBB डॉक्टर्स भी इसको नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवा में इतनी सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, यदि इधर उधर एक कट गया तो आपका पानी भी जा सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है, तो जिसको मालूम होता है वही कर सकता है। दोहन किया जाता है, छेदन किया जाता है, इसके बाद उसको प्रैक्टिस 5-6 महीना लग जाता है, मेरा तो 6 महीना लग गया था, जबकि जो सिखा सिखाने वाले थे, करवाने वाले थे, बोले 2.5 महीना में हम करवा देंगे, आपको लगा देंगे, पर हुआ नहीं। सप्ताह में 2-2 बार, 3-3 बार कट लगता था, दोहन किया जाता था सुबह शाम, तब जा कर के वो क्रिया में सक्सेस हुआ। इसको सिद्ध होने के बाद सहस्रास पे जब अमृत जीवा पे टपकती है तो पूरा शरीर अमृतमय हो जाता है, और समाधि में चला गया और शरीर वैसे ही पड़ा रहता है। मैंने इस क्रिया से आपका जीवन उद्धार, इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत कठिन क्रिया है।
महाराज जी आपने तो अपना वो जिह्वा का छेदन किया हुआ है भेदन, हाँ, तो वो दिखा सकते हैं आपके? हाँ दिखा सकते हैं। 12 महीने बद्रीनाथ में रहे हैं, तो हम कुछ संतों से मिले तो एक संत ने हमें बताया कि जब वो 12 महीने यहाँ रुकते हैं तो नारद कुंड से ओम की आवाज आती है। देखिए ये हिमालय है, हम रहते हुए हमारा यहाँ 20 साल हो गया है, अब 12 साल बर्फों में रहा कंटिन्यू 12 महीने। जैसे यहाँ सभी चले जाते हैं लोग, गांव वाले हैं, दुकान वाले हैं, मकान वाले हैं, जितने भी हैं मंत्री समिति के सभी चले जाते हैं, सिर्फ गिने चुने ही लोग रहते हैं यहाँ। आर्मी, ITBP, पुलिस और 2-3 कर्मचारी मंदिर के देख रेख के लिए रहते हैं, और कुछ ही संत जिसके पास परमिशन रहता है वही रहता है, पूरी व्यवस्था के साथ रहता है, पानी भर के रखना पड़ता है क्योंकि नेटवर्क, बिजली और सिग्नल सभी कट हो जाते हैं, पानी भी कट हो जाते हैं, तो सब अपना सौर ऊर्जा का जैसे लाइट के लिए रखना पड़ता है, पानी टंकी में भर के रखना पड़ता है, 6 महीना के लिए पूरी खान पान के लिए रखना पड़ता है, तो उस समय एक चिड़िया भी नहीं रहती है नज़र, कोई चिड़िया तक भी नज़र आती नहीं है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और सुनसान ही सुनसान रहता है चारों तरफ, जैसे शिव सागर में भगवान शयन कर रहे हैं तो उसी तरह से भगवान जो है उस समय बर्फ में शयन कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। और यहाँ नारद जी से 6 महीना पूजा किया जाता है, देवी देवताओं ऋषि मुनियों से भगवान बद्री विशाल जी का पूजा अर्चना होती है शीतकाल के दौरान, यानी 6 महीना, यानी नवंबर से लेकर के मई तक के जो बंद रहते हैं देवताओं से पूजा हो जाता है, और मई से लेकर के नवंबर तक के रावल जी यानी मनुष्य से पूजा किया जाता है। तो उस समय बहुत ही कठिनाइयां और बहुत ही अनुभव होती है, साधना में किसी तरह की व्यवधान नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, हमने इतने 12 वर्ष कंटिन्यू रहा, कभी हमें सर्दी जुखाम तक भी नहीं लगा, इतनी बड़ी कृपा है जो यहाँ 12 वर्ष ऐसे समय निकाला ऐसे भजन साधना में तपस्या में, तो ये असीम कृपा है, जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है वही यहाँ पे रह सकता है, गुरु की और परमात्मा की असीम कृपा रहती है होती है, तभी यहाँ बद्री विशाल जी में घंटा करने जी यहाँ है, क्षेत्रपाल कोतवाल के रूप में माने जाते हैं, उनकी आज्ञा से ही यहाँ निवास कर सकते हैं, और यहाँ अनुभूतियाँ ही अनुभूतियाँ। एक समय की बात है कि यहाँ पुलिस वाले कुछ थे तो ताश जैसे होता है ना, ताश मनोरंजन के लिए खेल रहे थे, तो कभी कभी जीतने हारने का वो शोर मचाते थे, तो एक समय उनको बच्चे की आवाज़ आई उन लोगों को कि यहाँ शोर मत करो, आवाज़ मत करो, यहाँ डिस्टर्ब ना हो, तो पुलिस वाले दूसरे दिन सुबह हमें बताया कि ऐसी सी बात है, बच्चे की आवाज़ आई, यहाँ कोई तो रहता नहीं है, सुनसान है, पर बच्चे की आवाज़ कहाँ से आई, हमने समझ गया कि माँ लक्ष्मी आई है, और वो वार्न किया कि यहाँ शांति बनाए रखें और अपना ड्यूटी करें, शांतिपूर्वक यहाँ निवास करें। यहाँ हमने कुंड में तप्त कुंड में कई बार तीन चार बार हम सुबह स्नान करने जाते थे, तो वहाँ ऐसे पानियों के हलचल और कुछ आवाज़ें आना ये आम बात है, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब जो अनुभूतियाँ होती है, ये सुनसान उस समय देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व लोग और ऋषि मुनि लोग विचरण करते हैं। एक समय की बात है, हम बैठे हुए थे अपने कमरे के अंदर, ध्यानस्थ थे, तो खिड़की से टक टक की आवाज़ आई, बोला इस समय कौन आएगा, यहाँ तो कोई आने वाले जाने वाले है नहीं। तो एक ही मिनट के बाद हम उठ के, 1-2 मिनट के बाद उठकर देखते हैं तो कोई दिख ही नहीं रहा, सुनसान है। हमने और लोगों से पूछा कोई आया था क्या, बोला हम तो आए नहीं थे। तो यहाँ अनुभूतियाँ ही, हनुमान जी का दर्शन, शिव जी का साक्षात, यहाँ हनुमान जी विराजमान है, एक गंधमादन पर्वत है जिस पर पर्वत पे रह रहे हैं, जिस पर्वत पे मंदिर है लकड़ा के किनारे, ये गंधमादन पर्वत है, नारायण पर्वत भी कहते हैं इसको, भूवैकुंठ भी कहते हैं, अलकनंदा के उस पार नर पर्वत है जहाँ नर ने तपस्या किया था, इस पर नारायण ने तपस्या किया था,
और नारायण पर्वत के बगल में उर्वशी पर्वत है और बीच में ऋषि गंगा है। उर्वशी पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में नीलकंठ है जो किसी किसी भाग्यशाली को ही दर्शन होते हैं। सब समय वहाँ बादल ही बादल छाए रहते हैं। आज दर्शन हुए। हाँ, तो वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ चोटियों पे है। कैसे चमकता है, चांदी से भी ज्यादा। आप गौर से भी देखेंगे, नीलकंठ का दर्शन करेंगे, भावपूर्वक प्रार्थना करेंगे और उनसे कुछ दर्शन की इच्छा करेंगे तो आपको ओम का दर्शन होता है, गणेश जी का दर्शन होता है। ये नीलकंठ की बात करें मंदिर से चरण पादुका है, वहाँ भगवान का चरण चिन्ह है और एक शिला पे और एक राक्षस का पैर का शिला का चिन्ह है, वहाँ दर्शन करने जाते हैं। मंदिर से 1.5 किलोमीटर चरण पादुका है, वहाँ से नीलकंठ 3-4 किलोमीटर है। महाराज जी आप तो गए होंगे कई बार नीलकंठ। तो जब शुरू शुरू में आए थे पहाड़ों में ही घूमते रहते थे, तो उस समय तो काफी सिद्ध संत रहते होंगे, किसी के दर्शन हुए आपको? लेकिन वो देखने की क्षमता नहीं, आपकी क्षमता है ना, हमारी क्षमता नहीं होगी, इसलिए हम वर्णन सुनना चाहते हैं। हाँ, बस और कोई बात नहीं, आभास होती है, उसका अनुभव होता है कि यहाँ कोई देवी देवता है, कोई जैसे आपके सामने से कोई ऋषि मुनि या देवी देवता क्रॉस कर रहा है तो आपको खुशबू आएगी, आपको रोमांचित होगा, रोम जो है खड़े हो जाएंगे और थोड़ा अच्छे देवी देवता है तो मन में उत्साह और खुशबू आएगी और मन में बहुत आनंद आएगा। तो ये सब तो ये हिमालय है, हिमालय में यहाँ घटना घटती रहती है और घटती ही रहती है और दर्शन होते रहते हैं। नारायण की यहाँ दर्शन कितनी बार हुए, शिव जी का, हनुमान जी का, ये सब सूक्ष्म रूप से दर्शन होते रहते हैं। महाराज जी अगर आप कुछ अपनी तपस्या के बारे में बताएं तो हम जैसे साधक बहुत अनुग्रहित होंगे आपके। देखिए साधना है, तपस्या है, हम सर्वप्रथम हरिद्वार जो है, हरिद्वार के सप्तऋषि गंगा जो है उस पार एक टापू है, वहाँ संत महात्मा 7-8 ऐसे रहते थे उस टापू पे, और वो भी फर्स्ट टाइम शुरू शुरू में आए थे जब हम गिरज से, तो सर्वप्रथम हम हमारा साधना जो तपस्या स्थली है हरिद्वार में ही, वहाँ 2 वर्षों तक वहाँ साधना रत रहे, भजन साधना जो भी है। इसके बाद महाजोगी पायलट बाबा से दीक्षा हुआ 2003 में और 4 में हमें संस्कार हुआ उज्जैन महाकाल में, 4 में उज्जैन में महाकाल में संस्कार होने के बाद, इसके बाद हम नैनीताल आश्रम गए, वहाँ से गुरु भाई लोग आ रहे थे बद्रीनाथ धाम, सुना था कि ऐसे लोग रहते हैं, इतने बर्फ गिरते हैं सुना था, पर जब भाइयों गुरु भाइयों के साथ में आया तो 6 महीने यहाँ जैसे बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है, तो उस 6 महीने रहने के लिए परमिशन लेना पड़ता है प्रशासन से, परमिशन लेकर के अनुमति लेकर के और पूरी व्यवस्था के साथ और पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ता है। 2004 में आए तो जब आए तो यही भगवान अपने चरणों में रख दिए और कंटिन्यू हम यहाँ बर्फों में 12 वर्ष साधना रत रहे, तपस्या रत रहे, और उस समय जो तपस्या जो होती है किसी तरह की व्यवधान नहीं होती है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, अनुभूतियां ही अनुभूतियां होती हैं। उस समय देवी देवता लोग विचरण करते हैं, आभास होता है, दर्शन होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और सूक्ष्म से भी दर्शन होते रहते हैं देवी देवता का, यक्ष किन्नर गंधर्व का। तो यहाँ हम 12 वर्ष कंटिन्यू साधना रत हैं, रत रहे और आज भी 20 साल हो गए हैं बद्रीनाथ में, अभी भी मैं साधना रत हूँ। एक मंदिर के, मंदिर से 500-700 मीटर ऐसे दूरी पे है जो हमारी कुटिया स्थित है, मंदिर के बाएं साइड में है, यहाँ भक्त लोग आते रहते हैं कभी कभी, जिसका संस्कार होता है, जिसका भाग होता है वो मिल पाता है तो वो ही आ पाता है और दर्शन करके जाते हैं। तो ये साधना स्थली जो है पूर्व जन्मों का भी है, यहाँ किया होगा तभी वो स्थान, तभी वो स्थान पे आकर के हम साधना रत हो जाती हैं, कोई भी हो,
और वो स्थान आपको मिलता भी है, वो और वही भी है वही स्थान, जैसे कोई भी आप सुने होंगे कि एक सिद्ध महात्मा है और उसके चेले शरीर छोड़ दिया, आसन वही ऐसे रहा और फिर दूसरे जन्म लेकर के वही आसन वैसे ही पड़ा है, वैसे ही वह स्थान पड़ा है और वही फिर वहीं से तपस्या शुरू कर ली। ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ? आप कुछ अपना रहते हैं ना, अनुभव होता ही रहता है, वहीं से सब कुछ है। यदि हिमालय नहीं होता तो हमारे भारत में कुछ नहीं होता। हिमालय में ही एक से एक ऋषि मुनि पड़े हैं, यदि हिमालय में ही देवी देवता यक्ष किन्नर गंधर्व हैं, इसका भी स्टेप बाय स्टेप होते हैं। जैसे यक्ष होते हैं बलशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, सतोपंथ है वो क्षेत्र, हिमालय का जो क्षेत्र है सतोपंथ स्वर्गरोहिणी है। बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर 28 किलोमीटर है सतोपंथ, वहाँ यक्षों का क्षेत्र है, जहाँ ध्रुव के भाई रोहित को मारा था, यक्ष ने मारा था, तो क्रोध में आकर के ध्रुव ने यक्षों को विनाश करना शुरू कर दिया था। तो भगवान ने खुद उनको समझाया, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दीजिए। तब वो ये वो जो क्षेत्र है, हमने वहां भी तपस्या किया, 12 दिन ऐसे करके हमने साधना किया। तो वहां डिस्टर्बेंस, यक्षिणी लोग आते हैं, यक्ष लोग जो यक्षों की पत्नी होती है, यक्षिणी होती हैं, वो साधना नहीं करते, आपको खंडित कर देंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट कर देंगे, मेनका टाइप कर। हाँ, तो यहाँ भी ये भी क्षेत्र ऐसा ही है। यहाँ भगवान को जब इंद्र ने भ्रष्ट करने के लिए भेजा था तो उर्वशी को पैदा कर दिए थे जंगा से, वो उर्वशी पर्वत है आज भी और मंदिर भी है। तो ये जहाँ तपस्या होती है, जहाँ साधना होती है, सबसे पहले दृष्टि इंद्र का जाता है, वो अप्सराओं को भेज करके आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। और महाराज जी, अगर कोई योगिनी हो तो किसको भेजेंगे? वो योगिनी है तो पुरुष को भेज देगा, है ना, उसका भी ब्रह्मचर्य नष्ट करेगा। लेकिन मेन टारगेट उनका यही होता है कि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दो। हाँ, ब्रह्मचर्य सारी ताकत ब्रह्मचर्य में है। हाँ, ब्रह्मचर्य में है, क्योंकि और जो वीर जो होता है ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्ध्वगामी से ही आपको समाधि अवस्था में जाता है और लोक परलोक में समाधि में जाकर के आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, पाताल लोक में जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं, अंतर्ध्यान हो सकते हैं, आकाश मार्ग में जा सकते हैं। कितने लोग इस नर नारायण पर्वत से नर पर्वत तक जाते हुए ज्योति का रूप दर्शन करते हैं। घंटा का आवाज आती है, कहां से घंटा का, मंदिर का आवाज जैसे पूजा हो रही है, ऐसा ऐसा अनुभूति होती है। किसी देवी देवता का आवाज आया, आप दिख ही नहीं रहा है कहाँ से आ रहा है, लेकिन जब हमारा तपस्या में हम आगे हैं, प्रांगत है, हमारा अंतर चक्र खुला हुआ है, दिव्य नेत्र जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र जागृत है, ओपनिंग है, तो हम देख सकते हैं कि कौन सा ऋषि कहाँ पे गुफाओं में, कंदराओं में और कितने वर्षों से समाधिस्थ, आज भी हजारों जी हम वहां पे थे ना, कि जो जिसको भसता है वैसा हो जाता है, और आप अपने शिव स्वरूप के बारे में बता रहे थे। हाँ, हाँ, तो ये देखिए, जो जिसको जैसा देवी देवता को भजता है, पूजता है, वो वैसा ही रूप हो जाता है। आप अब तक जो देख ही रहे हमारा रूप कैसा है, किस तरह का है, स्वभाव कैसा है, वो उसी के जैसा वो ढल जाता है, उसी के जैसा वो रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस रूप में विलीन हो जाता है। तो मैं भोलेनाथ को बहुत प्रिय, हमारा भोलेनाथ है, हम भोलेनाथ को भजते थे, आज भी भजते हैं और ध्याते हैं, उन्हीं को भजते हैं और नाम स्मरण करते हैं, तो हमारा स्वरूप वैसा ही हो गया है। तो ये संस्कार होता है, कई जन्मों का, पूर्व पिछले जन्मों का संस्कार जो होता है, वो एक जन्म का नहीं होता है, कई जन्मों का वो लगाव होता है। जैसे एक किसान खेती काट करके काटते काटते वो छूट जाता है और फिर वहीं दूसरे दिन जा करके वहीं से आरंभ करता है। तो देखिए, हमारा जो जीवन है, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, क्योंकि अब गांव देहात में ऐसे स्थान में जहां पैसे आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी रही, खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो हमारा जो जन्मभूमि है गया, बोध गया के बिहार
बिहार के बोधगया गांव सलैया गांव में प्रादुर्भाव ये शरीर हुआ है, और वहीं से मैं 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद हम वेस्ट बंगाल चला गया। हमारा भैया तीसरे नंबर का भाई जो है सांजिल भाई हैं, वो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर थे, वहीं हमें भेज दिया गया और मैं वहीं फिर चला गया। वहाँ वैसे वैराग्य बचपन में भी हो गया, पढ़ाई 10वीं तक होने के बाद भी मैं पहाड़ की चोटियों में चला गया था और कीर्तन करता था एकदम सुनसान चोटी पे जाकर के, जंगल बिहड़ जंगल में जहाँ हाथी बाघ शेर रहते थे, तो ऐसे जगह पे जाकर के भी हमने कीर्तन करता था, भगवान का भजन करता था। तो वहाँ भी भीड़ भाड़ होने लगी, लोग जाने लगे कि अरे फलना का जो है लड़का ऐसे पागल जैसा हो गया। गांव देहात में ऐसे ही होता है, कोई जैसे अच्छे काम करो तो पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए वहाँ से भेज दिया कि आप भाई के भेज दें वेस्ट बंगाल में। वहाँ हमने मैकेनिकल इंजीनियर के किया। इसके बाद पिताजी जब एक्सपायर किए तब मैंने बैराग, माता जब 7वां 8वां क्लास में था तभी बैराग, तभी शरीर छोड़ दी थी, और पिताजी वृद्ध थे और वृद्ध के कारण शरीर एज हो गया था। जब शरीर छोड़े तो मन में ऐसा बैराग हुआ कि जब माता पिता नहीं रहे तो हम भी एक दिन नहीं रह पाएंगे, हम भी हमारा भी शरीर से ऐसा आभास हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ, तो चलो भगवान भोलेनाथ का भजन करेंगे और भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। इसके बाद हमने वहाँ से सीधा हरिद्वार आए। हरिद्वार आने के बाद 3 दिन लगा था मेरे को, आसनसोल रानीगंज करके ऐसे स्थान है वेस्ट बंगाल में, और वहाँ से ट्रेन से आए, 3 दिन तक के भूखे प्यासे रहे और ट्रेन में आए, फिर यहाँ हरिद्वार में आए तो यहाँ साधु महात्मा मिले। फिर इसके बाद साधु महात्मा के माध्यम से हम 2 वर्षों तक गीता कुटी शीशम झाड़ी है वहाँ, उसके गंगा पार करके एक टापू पे छोटी सी कुटिया कुश का कुटिया बना करके, और 2 साल हम रहे हैं, जहाँ आज भी हाथी बाघ शेर सभी हैं वहाँ मिलते हैं और देखे जाते हैं। वहाँ हमने गंगा किनारे छोटी सी बना करके, आपने ऋषिकेश में तपस्या करी है? नहीं, हरिद्वार में सप्त सरोवर से आगे एक टापू है वहाँ हमने 2 साल तपस्या किए। इसके बाद महाजोगी पायलट बाबा के क्या है मुलाकात हुई किसी संत के माध्यम से, उनसे दीक्षा हुआ 2003 में। फिर इसके बाद दीक्षा होने के बाद संस्कार हुआ। वैराग्य होने का कारण है पिताजी, पिता के कारण वैराग्य हुआ कि अब पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहे, तो चलो अब